नमस्ते, मैं मृदुला तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मधु जी की रसोई में। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता तो बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। इसकी रेसिपी बहुत आसान है और इसको 10 से 15 मिनट में आप सभी लोग बना सकते हैं और जल्दी बन भी जाएगा, आसान तरीका भी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। यहाँ पे हमने बैंगन और टमाटर ले लिया है। यहाँ पे हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च लिया है, साथ ही हमने धनिया भी लिया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ इकट्ठा कर लिया है और चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे हम पहले बैंगन ले लेंगे और दोनों बैंगन में कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम सरसों का तेल ले लेंगे और लेके अच्छे तरह से दोनों बैंगन में लगा लेंगे। अब बैंगन को गैस जला के उल्टा रख देंगे। बैंगन के साथ ही टमाटर में भी तेल अच्छे तरह से लगा लेंगे और हल्का सा तवा पे तेल लगा देंगे और टमाटर को रख देंगे ताकि अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। अब तवे को गैस जला के और अच्छे तरह से ढक देंगे। अब इन दोनों को अच्छे से पकने देंगे। देखिए यहाँ बैंगन और टमाटर अच्छे तरह से पक चुके हैं। यहाँ पर बैंगन और टमाटर को छील के अच्छे तरह से मैश कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों को अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो चुका। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा बहुत चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहेंगे। देखिए अब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। देखिए अब हमारा प्याज भून चुका है। अब इसमें डालेंगे ये मैश किया हुआ बैंगन और टमाटर, इसको अच्छी तरह से मिला लिए। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्का सा लाल मिर्ची डालेंगे, साथ में ये पैकेट का मसाला डाल देंगे थोड़ा सा और इसको मिक्स कर देंगे सारा। साथ में ये मैगी मसाला एक पैकेट डाल देंगे, इससे थोड़ा स्वाद अच्छा लगता है। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया। देखिए हमारा भरता बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और टेस्टी भी। तो चलिए अब यहाँ बैंगन का भरता बनके तैयार है और देखने में तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और आप लोग भी बनाइए, बना के खा के और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बैंगन का भरता आप लोगों को कैसा लगा। तब चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Know that they ride or die.